कैसे हैं आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू फैक्ट्री डाटा रिसेट। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि रियलमी की इस डिवाइस को आप फैक्ट्री डाटा रिसेट कैसे कर सकते हैं, फुल रिसेट कैसे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपका फ़ोन लैग करने लगा है, या फिर बहुत ज़्यादा डाटा हो गया है, या फिर किसी भी कारणवश अगर आप अपनी डिवाइस को रिसेट करना चाहते हैं तो कैसे कर पाएंगे। सो गाइज, वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। यहाँ पर मैं आपको फ़ोन को ऑन करके भी दिखाने वाला हूँ। ओके, सो गाइज, विदाउट एनी वेस्ट टाइम लेट्स गो स्टार्ट वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको सेटिंग्स पर जाना होगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे आ जाना है, यहाँ पर गूगल पे जाना है, और गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर आपकी गूगल आईडी आ जाती है, उसे आप यहाँ से हटा लें पहले। ओके, तो गूगल आईडी आपको हटा लेनी है। यहाँ पर यूज़र अकाउंट पर जाएंगे तो यहाँ पर ऐड अकाउंट आ जाते हैं, तो यहाँ से आपको गूगल पे क्लिक कर देना है। गूगल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपना गूगल अकाउंट रिमूव कर देना है सबसे पहले। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको अगर डिवाइस का यहाँ पर जितना भी डाटा है उसे किसी दूसरे डिवाइस में कॉपी करना चाहें तो कॉपी कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर बैकअप भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बैकअप लेकर नहीं दिखाने वाला हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले एडिशनल सेटिंग्स पर जाते हैं, सबसे नीचे आ जाना है। ओके, और आने के बाद यहाँ पर बैकअप एंड रीसेट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर बैकअप माई डाटा करेंगे तो यहाँ पर आपका बैकअप आ जाता है किसी भी गूगल अकाउंट पर। ओके, बट मैं यहाँ पर बैकअप लेके नहीं दिखाने वाला हूँ आपको। रिसेट फ़ोन पे जाना है तो यहाँ पर आपका सारा डाटा डिलीट हो जाता है, फ़ोटोज़, वीडियोज़, कॉन्टैक्ट नंबर, डाउनलोड वीडियोज़ वगैरह सब कुछ। ओके, इरेज ऑल डाटा पर जाना है, और यहाँ पर आपको अपना पैटर्न ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इरेज डाटा पर क्लिक करना है, उसके बाद दोबारा से इरेज डाटा पर क्लिक कर देना है। ओके, जैसे आप दोबारा से इरेज डाटा पर क्लिक करेंगे आपका फ़ोन स्विच ऑफ होने लगेगा। ओके, बंद हो जाएगा। उसके बाद इसमें इरेजिंग चलेगी, आपका डाटा जितना भी होता है वो सब डिलीट हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। अगर आपको यहाँ पर अपना डाटा बचाना है तो किसी दूसरे डिवाइस में कॉपी कर लें, अपने लैपटॉप वगैरह में कॉपी कर लें, या फिर बैकअप ले सकते हैं आप किसी दूसरे ईमेल आईडी पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपका ये चलता है, और इसमें टाइम लग जाता है, 10 या 5 मिनट का टाइम लग सकता है। ओके, सो गाइस, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो यहाँ पर इसे फ़ोन को ऑन होने देते हैं, तब तक के लिए हम वीडियो को पॉज कर देते हैं। सो गाइस, यहाँ पर हमारा फ़ोन स्टार्ट हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने फ़ोन का फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेना है। ओके, तो यहाँ पर हम अपने फ़ोन को फर्स्ट टाइम सेटअप कर लेते हैं, तो इस एरो वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है और इसे नेक्स्ट कर देना है। ओके, अपन नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपको अपना कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, तो यहाँ पर आपके कंट्री आ जाते हैं, जो भी कंट्री, तो हमारा इंडिया है तो यहाँ पर हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। ओके, इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से कंटिन्यू करने के बाद इस चारों ऑप्शन को ऑन कर देना है, और यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। ओके, अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपके वाईफाई या फिर इंटरनेट कनेक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बट यहाँ पर सेटअप ऑफलाइन ही कर लेते हैं, अभी स्किप पर क्लिक कर देंगे। ओके, और फ़ोन रिसेट करने से पहले इंटरनेट ऑफ कर देना है आपको। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाना है, एक्सेप्ट पर क्लिक कर देना है, और यहाँ से फेस, फिंगरप्रिंट लॉक और पासवर्ड लॉक बाद में लगाएंगे तो स्किप पर क्लिक कर देना है। ओके, इसके बाद यहाँ पर इसे स्किप कर देते हैं, इसका अकाउंट बाद में बना लेना है आपको, और डन कर देना है। ओके, डन करने के बाद यहाँ पर लेटर ऑन वाईफाई इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और यहाँ पर गेट स्टार्ट, तो इस गेट स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपका फ़ोन स्टार्ट हो चुका है, कंप्लीट सेटअप हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर हमने फ़ोन को रिसेट किया था, तो यहाँ पर अभी हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर हमारा पैटर्न, पासवर्ड सब कुछ यहाँ पर हट चुका है, देख रहे हैं, इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। ऑटोमेटिकली अपना फ़ोन यहाँ पर ऑन हो जाता है। फ़ोटोज़ पे जाते हैं तो यहाँ पर सारे फ़ोटोज़ आपके डिलीट हो जाते हैं। ओके, तो इस तरीके से आप अपने डिवाइस को यहाँ पर फुल रिसेट कर पाएंगे, और फुल रिसेट करने के बाद ऑन कर पाएंगे। सो गाइज, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर से कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।